मे आई कम इन सर? आइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बैठिए। थैंक यू सर। प्रशांत, बहुत संक्षेप में इंटरव्यू बोर्ड को अपना परिचय दीजिए। जी सर, मेरा नाम प्रशांत उइके है, 27 वर्ष मेरी आयु है, बैतूल जिले का रहने वाला हूँ और मैंने अपनी स्नातक की परीक्षा जैव तकनीकी विषय से पास की है और मेरी रुचियों में शतरंज खेलना और स्विमिंग करना मुझे पसंद है। ठीक है, तो आपकी एजुकेशन हुई है किस गृह जिले से? गृह जिला क्या है? बैतूल ही है सर। बैतूल से? जी सर। बैतूल में यार हम एक घटना पढ़ते हैं, घोड़ा डोंगरी घटना, क्या थी वो? सर, ये घोड़ा डोंगरी बैतूल की एक तहसील है जहाँ पर एक जंगल सत्याग्रह हुआ था गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में। 1927 में ब्रिटिशों द्वारा एक वन कानून लाया गया था जिससे जनजातियों को वनों की जो उपज है वनोपज पर अधिकार समाप्त कर दिए गए थे और वनों में प्रवेश पर रोक लगाई गई थी जिससे उनको उनकी संस्कृति आदि पर उनको आक्षेप लगाए। यहाँ पर सत्याग्रह किया था। सत्याग्रह के क्रम में इन्होंने कंधे पर कंबल और हाथ में लाठी लेकर रात में घास काटकर एक तरह से विरोध जताते थे ब्रिटिश कानूनों का। कहाँ घास काटते थे? सर, ये घोड़ा डोंगरी के जंगलों में। अच्छा जी सर। जंगलों में घास काटते थे विरोध जताने के लिए? जी सर। ठीक, क्या हुआ था गंजन सिंह कोरकू जी के साथ फिर? सर, इसके दमन के लिए फिर ब्रिटिशों द्वारा गोली चालन किया गया था जिसमें कोवा सिंह गोंड जी सबसे पहले शहीद हो गए थे, उसके बाद रामू गोंड, मकड़ू गोंड और जरा गोंड जी भी शहीद हो गए। ये जो आंदोलन चल रहा था जंगल सत्याग्रह, ये किस भारत के अखिल भारतीय आंदोलन का एक हिस्सा था? सर, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन? जी सर। तो ये भी विनय पूर्वक अवज्ञा कर रहे थे? जी सर, हिंसात्मक अवज्ञा कर रहे थे। हिंसा हुई थी जंगल सत्याग्रह के अंतर्गत? सर, जंगल सत्याग्रह के अंतर्गत ब्रिटिशों द्वारा गोली चालन में जो व्यक्ति मरे वो ही एक हिंसा के बारे में मुझे जानकारी है। ठीक है, बैतूल में कौन सी नदी है? सर, ताप्ती नदी जो मुल्ताई तहसील से निकलती है। ताप्ती की क्या स्पेशलिटी है? सर, ऐसा कहते हैं कि सूर्य और छाया की पुत्री है ये और सूर्य जी ने इनका जो इनकी उत्पत्ति ताप को नाश करने के लिए की थी। सूर्य के ताप नदी से क्या साम्यता है ताप्ती नदी की? दोनों में कोई एक जैसी विशेषता है क्या? सर, ये दोनों ही नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं जबकि एस्चुरी का निर्माण करती हैं। क्या होता है डेल्टा और क्या होती है एस्चुरी? जी सर, जब सर डेल्टा का मतलब है कि जब कोई नदियाँ बहुत सारे अवसादों को बहाकर मुहाने के किनारे पर गाद जमा कर देती हैं जिससे बीच जैसा जो आकृति है वो निर्मित हो जाती है तो वो डेल्टा है, जबकि एस्चुरी में नदियाँ अपनी तेज धारा की वजह से सीधे समुद्र में पेश कर जाती हैं और जिसकी वजह से कोई अवसाद ज़्यादा इकट्ठे नहीं होते। अच्छा, क्या यही रीजन है कि नर्मदा और ताप्ती में अवसाद कम है कि कुछ और भी रीजन है? सर, ये भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं, ये एक कारण है जिससे अवसाद कम होते हैं। ठीक है प्रशांत, गुड सर। आप उत्कृष्ट स्कूल से पढ़े? जी सर। उत्कृष्ट स्कूल और सीएम राइज स्कूल में क्या डिफरेंस है? सर, सीएम राइज स्कूलों को थोड़ा और अधिक उत्कृष्ट स्कूलों को ही सीएम राइज स्कूल में बदला जा रहा है और सीएम राइज स्कूल में कोशिश की जा रही है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों में भी जो सुविधाएं हैं वो प्रदान की जाए जैसे डिजिटल लर्निंग आदि। उत्कृष्ट स्कूलों में जब सरकार ने उत्कृष्ट स्कूल बनाए, मॉडल स्कूल बनाए, फिर सीएम राइज स्कूल बनाए, जी सर, ये बार बार नाम बदलने की आवश्यकता क्यों? सर, उसके बेसिक पार्ट को ही चेंज कर दीजिए, आपको नहीं लगता है? सर, इसमें मुझे लगता है कि नाम बदलने के साथ साथ इसमें कुछ परिवर्तन भी किए गए हैं, जैसे उत्कृष्ट विद्यालयों में पहले शिक्षकों की नियुक्ति के लिए किसी तरह के मानक या एंट्रेंस एग्जाम की व्यवस्था नहीं थी जो विद्यार्थियों के क्रम में की जाती थी। सीएम राइज में है क्या? जी, एग्जाम ली जाती है? जी सर। आपको कंफर्म पता है? सर, ऐसा मैंने पढ़ रखा है। चलिए, आपका जो हॉबी है वो शतरंज और तैराकी है? जी सर। तो शतरंज के सबसे कम उम्र के मास्टर आपको पता है? सर, ये मतलब भारत में आर प्रज्ञानंदा है। मास्टर कैसे बनते हैं शतरंज के अंतर्गत? सर, ये फिडे रेटिंग होती है। फिडे कहाँ की संस्था है? सर, ये फिडे की स्थापना पेरिस फ्रांस में हुई थी और इसके जो मुख्यालय है लुसाने स्विट्जरलैंड में है। कंफर्म? जी सर। अच्छा, शतरंज के अंतर्गत अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियमों में कोई परिवर्तन है कि समान है? सर, भारतीय शतरंज का जो प्राचीन रूप है उसमें कुछ खेल के में अंतर दिखाई देते हैं पर वर्तमान समय में जितने भी प्लेयर्स हैं भारतीय प्लेयर्स भी शतरंज खेल कहाँ का है एक्चुअल में? सर, इसका उदय भारत में ही हुआ है। किस काल में? सर, ये गुप्त काल में माना जाता है इसका उदय, सीसा नामक ब्राह्मण ने इस खेल को बनाया। बहुत बढ़िया। तैराकी में सबसे ज्यादा अभी तक किसने गोल्ड जीते हैं?
सर सबसे ज्यादा गोल्ड ओलंपिक्स में माइकल फेल्प्स ने जीते हैं। अभी हाल ही में ओलंपिक कहाँ हुआ था? सर टोक्यो ओलंपिक हुए थे हाल ही में। और अगला कहाँ होगा? सर ये लॉस एंजलिस 2026 में होंगे। भारत की स्थिति पता है आपको क्या रही? सर भारत ने एक साथ टोटल 7 पदक जीते थे और जिसमें एक गोल्ड रहा था। अच्छा, भारत में ओलंपिक में सबसे पहली बार गोल्ड किसने जीता? सर ये व्यक्तिगत गोल्ड अभिनव बिंद्रा जी ने जीता था शूटिंग में। चलिए मुझे एक प्रश्न और बताइए, लास्ट प्रश्न। आजकल पेपर में हम शब्द सुनते हैं मानहानि, मानहानि एक्चुअल में शब्द किस अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? माफी चाहूंगा सर, इस बारे में मुझे जी सर। प्रशांत जी सर, मुझे बताइए आपके नाम का क्या मतलब है? सर प्रशांत का मतलब है शांत, दृढ़चित या शांतचित व्यक्ति जिसका मन शांत हो। ठीक है, आप मुझे बताइए आप बैतूल जिले से आते हैं, मूल समस्या क्या देखते हैं आप बैतूल में? सर मूल समस्या, क्योंकि जनजाति बाहुल्य जिला है तो मूल समस्याएं भी मुख्यतः जनजातियों में विद्यमान है। पहली समस्या, जनजातियों में अपराधीकरण की एक समस्या लगातार बढ़ रही है। शिक्षा का विकास कम होने की वजह से अपराधी मतलब जनजातियां जो है अपराधों से संलग्न रहती है। एक समस्या और है सर कि इस क्षेत्र में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है ज्यादा, और वन उत्पाद से ही उनका जो गुजारा होता है जनजातियों का, वो एक समस्या है। तो आय के स्तर पर वो कमजोर है और शिक्षा का प्रसार नहीं है। क्या आपके जिले में प्रवास की भी समस्या है? जी सर। वैवाहिक प्रवास, इसके मामले में मुझे सर जानकारी कम है। आपको जानकारी कम है। हमने ये सुना है कि बैतूल जिले से अधिकांश जो जनजातीय वर्ग से महिलाएं होती हैं उनका विवाह पैसे लेकर के अन्य जिलों में किया जाता है, ऐसा आपकी जानकारी में है? सर अखबारों में मैंने एक दो बार ऐसी खबर पढ़ी है, पर इसके बारे में। इसका क्या मूल कारण हो सकता है आपके अनुसार? सर इसका मूल कारण अशिक्षा और आर्थिक निर्भरता जो है एक मुख्य कारण रहता है। तो अशिक्षा या आर्थिक निर्भरता जिसकी ये बात आप कर रहे हैं, ये तो दूसरे जिले में भी है, जो जनजाति जिले और भी है वहाँ पर भी इस तरह की समस्याएं हैं। बैतूल जिले में जनजाति है, अन्य जिले भी, मध्य प्रदेश में कई जिले हैं जो जनजाति बाहुल्य है, तो केवल बैतूल में ही ये समस्या मेजर क्यों है, इस बारे में सर मैं जानकारी प्राप्त करूँगी। ठीक है, मुझे बताइए आपके जिले में कोई पावर प्लांट है? जी सर, सतपुड़ा पावर प्लांट है हमारे जिले में। सतपुड़ा जी। जलापूर्ति कहाँ से होती है इसमें? सर जलापूर्ति तवा नदी से होती है। तवा नदी से ही होती है, कन्फर्म है आप? जी सर। ये जो थर्मल पावर प्लांट है सतपुड़ा, इसमें जलापूर्ति होती है, तो इस जल की आवश्यकता क्यों है वहाँ पर? सर असल में थर्मल पावर प्लांट में भी बिजली जल के माध्यम से ही बनाई जाती है। कोयले से पानी को गर्म किया जाता है और भाप से टरबाइन घुमाकर बिजली बनाई जाती है। ठीक, आपका बायोटेक्नोलॉजी रहा है सर, क्रिस्पर केस 9 क्या होता है? सर क्रिस्पर केस 9 एक तकनीक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही। ये एक तरह की आणविक कैची है जिससे जीनों को काट कर वांछित जीनों को, जैसे लक्षण व्यक्ति को चाहिए वैसे जीनों को काट कर अन्य जीव में प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक है, आपकी अभिरुचि में आपने तैराकी लिखा है। जी सर। तैराकी स्पोर्ट्स जो होता है वो जहाँ पर प्ले होता है उस स्थान को क्या कहते हैं जहाँ तैरा जाता है? पूल कहते हैं। पूल कहते हैं। तैराकी से संबंधित कौन कौन सी ओलंपिक के अलावा कौन सी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती हैं? सर ओलंपिक के अलावा तैराकी में एक लंबी रेस होती है जो 15 किलोमीटर की मैं याद कर पा रहा हूँ। 15 किलोमीटर? जी सर, 15 मील की जो विश्व चैंपियनशिप होती है वो भी होती है। ठीक है, जब ये पूल में होता है तो पूल की गहराई कितनी होती है? सर ये पूल ओलंपिक पूल की जो मानक गहराई है वो 2 मीटर है सर। 2 मीटर है। पानी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? सर 27 से 34 डिग्री के बीच होना चाहिए। ठीक है, आप मुझे बताइए कोई ऐसा खिलाड़ी, भारतीय खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैराकी करता हो? सर सजन प्रकाश एक खिलाड़ी हैं जो इन्हें इंडिया का माइकल फेल्प्स कहते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी? सर अद्वैत पागे एक खिलाड़ी है मध्य प्रदेश से। कौन से जिले से आते हैं ये? सर रायसेन जिले से आते हैं शायद, जैसा मैं याद कर पा रहा हूँ सर। अच्छा प्रशांत, ये बताइए आप कि आप किसी क्षेत्र में DSP? जी सर। और उस क्षेत्र में आपको ये जानकारी मिलती है कि कुछ असामाजिक तत्व जिनमें युवा वर्ग ज्यादा है वो एक चौराहे में रात में खड़े होकर के शराब पीते हैं। जी सर। तो आप क्या कार्रवाई करेंगे उनके अगेंस्ट? सर यदि मुझे तात्कालिक कार्रवाई करनी होगी तो मैं कंट्रोल रूम के माध्यम से पहले सीमा बल तैयार करूंगा
और उन अपराधियों को उसी जगह पर रोककर पहले उनको हिदायत दी जाएगी कि इस क्षेत्र को खाली किया जाए, यदि अगर वो दंडनीयता करते हैं तो फिर मैं उन्हें गिरफ्तार करूंगा। और इस समस्या अगर ये तात्कालिक समस्या के अलावा स्थायी समस्या बन चुकी है तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे चौराहों की सीसीटीवी के द्वारा निगरानी की जाए और ऐसे अपराधियों को के नाम दर्ज किए जाए जो आदतन इस तरह की चीजें करते हों और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और आपको पता चला कि जो युवा हैं उनमें ज्यादातर युवा बहुत मौज रखते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे हैं, पॉलिटिशियन के बच्चे हैं, तब भी आप ये कार्रवाई करेंगे? जी सर, मैं तब भी ये कार्रवाई करूंगा। हो सकता है कि इस कार्रवाई के क्रम में मुझ पर बहुत अधिक राजनीतिक दबाव हो, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि मीडिया की सहायता ली जाए, क्योंकि जब ऐसी सूचनाएं जन प्रकाशित होती हैं और जनता का ऐसी सूचनाओं में समर्थन प्राप्त होता है तो फिर किसी भी तरह के दबाव को झेला जा सकता है। तो अपने प्रशासनिक काम में मीडिया की दखलअंदाजी नहीं होगी सर? राजनीतिक दबाव, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने बड़े अधिकारियों तक ये जानकारी पहुंचा दें ताकि कल के दिन आप पर कोई कार्रवाई ना हो। जी सर, ये भी एक मीडिया पे इन्वॉल्व करना सही होगा? कुछ मामलों में सर ऐसा किया जाता है, इसलिए मैंने ये विकल्प चुना, और उच्च अधिकारियों को इससे सूचित कराना भी एक अच्छा विकल्प है। ठीक है प्रशांत, आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।